वेलकम बैक टू योर चैनल के पॉप टीवी। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। तो इस बात में कोई शक नहीं कि दुनिया के सबसे बड़े के पॉप आइडल्स BTS और ब्लैकपिंक को लोग अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, करोड़ों लोग उनसे मोटिवेट होते हैं। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आपको पता चले कि यही दुनिया के दो सबसे बड़े के पॉप बैंड अपनी जिंदगी जेल में कैदियों की तरह काट रहे हैं और इन्हें इनकी कंपनी द्वारा नौकरों से भी ज्यादा बुरी तरह यानी स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है। जी हाँ आर्मी, ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि कह रही है आज पूरे इंटरनेट पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ढेर सारी रिपोर्ट्स, जिसने सभी को हैरान कर रख दिया है, पूरा इंटरनेट ब्रेक कर रख दिया है। क्योंकि इसमें एक क्लेम किया गया है कि दुनिया के दो सबसे बड़े K-pop बैंड BTS और ब्लैकपिंक को तक उनकी कंपनीज स्लेव्स की तरह यानी कि गुलामों की तरह ट्रीट करती हैं और ये K-pop आइडल्स अंदर से बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और हार चुके होते हैं। और यही K-pop की डार्क रियलिटी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी आज से नहीं बल्कि अब से 3 साल पहले 2021 में नॉर्थ कोरिया से स्टार्ट हुई थी, या नॉर्थ कोरिया की तरफ से ये सारे क्लेम्स किए गए थे। और एक बार फिर से यही रिपोर्ट अचानक से इंटरनेट पर वायरल होने लगी है K-pop आइडल्स की सुसाइड और एक के बाद एक होती डेथ की वजह से। रिपोर्ट में क्लेम किया गया है कि K-pop आइडल्स को बचपन से ही नरक जैसी जिंदगी झेलनी पड़ती है, बचपन से ही उन्हें अपनी जिंदगी का कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनीज के हाथ में देना पड़ता है, जिसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इन्हें हर वक्त डाइट पर रहना पड़ता है, अपनी बॉडी को एक स्पेसिफिक वेट के अंदर रखना पड़ता है, अगर ये नहीं करते तो इन्हें पनिशमेंट दी जाती है, यानी कि बचपन से ही इन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है। वही फीमेल के पॉप आइडल्स को बचपन से ही बिजनेसमैन पॉलिटिशियन के सामने डांस करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है, जहां इन्हें हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है, और इसीलिए बहुत बार ट्रेनीज और K-pop आइडल्स अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। और ये सारी कंट्रोवर्सी फिर से सामने आने के बाद इन K-pop कंपनीज को, इन K-pop आइडल्स को काफी हेट मिल रही है। वहीं काफी लोग इन्हें डिफेंड भी कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया हमेशा से साउथ कोरिया का दुश्मन रहा है, इसीलिए वो ऐसे क्लेम्स कर रहा है। अगर BTS और ब्लैकपिंक को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता तो वो इतना खुश कभी नहीं होते, ऐसा बहुत सारे K-pop फैंस का मानना है। कई बार बहुत सारे एक्स K-pop आइडल डार्क रियलिटी के ऊपर बात कर भी चुके हैं, पर आपको एज अ K-pop फैन इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर, इन सभी क्लेम्स को लेकर क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।